दोस्तों, आप सबका हार्दिक स्वागत है आपके YouTube चैनल ग्रीन टिप्स एंड एडवाइस चैनल में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के सामने कुछ ऐसी इम्पोर्टेंट जानकारी पेश करने वाला हूं जो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस टाइम में सबको करना क्या है, थोड़े बहुत इन्वेस्ट करना है, 10,000, 15,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, सभी अपने अपनी कैपेसिटी के हिसाब से इन्वेस्ट करेंगे। और सबको क्या जरूरत है, एक अच्छी स्टॉक की जरूरत है कि कौन सी स्टॉक में इन्वेस्ट करें। अब देखिए, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में काफी सारे व्यूअर्स एसएमएस करते हैं कि हम लोगों को कुछ ऐसी स्टॉक के नाम बताएं जो स्टॉक आगे जाके हमें अच्छी रिटर्न देंगे और हम इन्वेस्ट कर सके। तो आज की डेट में सभी भाग रहे हैं ऐसी स्टॉक के पीछे जिन स्टॉक की प्राइस गिर चुके हैं और बहुत नीचे गिरे, और इन सभी स्टॉक को ढूंढते हुए हम ऐसे गलत स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं आप कि ऐसी स्टॉक जो अगले 5 साल में भी हमें रिकवरी नहीं देगी, ना 5% देगी, ना 10%, ना 20%, 2% भी रिटर्न नहीं देगा। यहां तक कि जो हमने इन्वेस्ट किया वो भी डिक्रीज हो जाएंगे। मतलब अच्छी स्टॉक के बदले हम गलत स्टॉक में इन्वेस्ट करेंगे छोटी अमाउंट देख के। तो ऐसी गलती ना हो, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूं आप लोगों के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज की इस वीडियो में मैं चर्चा करूंगा 1 वीक 1 मंथ अब तक की, यानी जनवरी से अक्टूबर तक, 1 ईयर 3 ईयर्स, इन सभी क्राइटेरिया के टॉप गेनर स्टॉक और टॉप लूजर स्टॉक की लिस्ट आप लोगों के सामने पेश करूंगा जिसमें आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। और आज की इस वीडियो से आप लोगों का अंदाजा हो जाएंगे कि आपने जिस स्टॉक में इन्वेस्ट किया उसको स्क्वायर अप करना चाहिए या फिर नहीं, या फिर आपने खुद जो सोचा है कि आप इन स्टॉक में इन्वेस्ट करेंगे तो उस हिसाब से आज की वीडियो से आपको यह अंदाजा लग जाएगा कि आपकी सिलेक्ट किए गए स्टॉक में इन्वेस्ट करना अभी सटीक रहेगा या फिर गलत। तो चलिए देख लेते हैं, पहले हम क्या देखेंगे, पहले हम 1 वीक का देखेंगे। फ्रेंड्स, 1 वीक की सेक्टर वाइज हम देखेंगे कौन सी स्टॉक में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप लोग नोट कर लीजिएगा कौन सी स्टॉक गेनर है और कौन सी स्टॉक लूजर है। अब इस गिरावट मार्केट में भी अब तक की एक हफ्ते की जो रिजल्ट है, इसमें हमें क्या मिला फ्रेंड्स, NIIT टेक, यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग NIIT टेक टॉप गेनर स्टॉक जो 3.58% रिटर्न दे चुके हैं अब तक, और टॉप लूजर में से है इंफीबीम एवेन्यू 69.78% माइनस। तो इस स्टॉक में हम इन्वेस्ट करना सही नहीं है अभी इस टाइम में, क्योंकि हमें एक अच्छी स्टॉक मिल रहा है NIIT टेक जो इस बुरी हालत में भी अपनी पोजीशन बरकरार रखा है, तो इसमें हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे 1 मंथ, 1 मंथ में कौन सी स्टॉक गेनर है, कौन सी स्टॉक लूजर है, वो भी सेक्टर वाइज, थोड़ा सा वेट कीजिए। अब हम देख लेते हैं इसमें 1 मंथ में हमें मिला क्या फ्रेंड्स, विप्रो, हमें टॉप गेनर में से विप्रो मिला जिसका परसेंटेज रिटर्न है 2.28%, और टॉप लूजर में से हमें मिला इंफीबीम जो -73.96%, यानी नियर अबाउट 74% माइनस है 1 मंथ में। नेक्स्ट हम देखेंगे YTD, कहने का मतलब है या टिल डेट, जनवरी से लेके अक्टूबर तक। चलिए, इसमें हमें क्या मिला टॉप गेनर में से, NIIT टेक जो 79.25% रिटर्न दे चुके हैं अब तक। ग्राफ देखिए कितने ऊपर भाग रहा है, ठीक है, यहाँ पर देखिए, तो हमें यहाँ पर इसका सिनेरियो दिख रहा है। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर भी देखिए एयरटेल डेट में NIIT टेक टॉप गेनर स्टॉक है और टॉप लूजर में से इंफीबीम है जो 57.76% माइनस है। जो स्टॉक 1 साल तक माइनस में है वो स्टॉक आगे हमें क्या रिटर्न देगा, एक बार सोच के देखिए। अब हम सेक्टर वाइज देखेंगे, ठीक है, BSE IT में से कौन सी स्टॉक सबसे अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं इस बुरी हालत में भी। देखिए, टॉप गेनर में से NIIT टेक है 79.25%, टॉप लूजर में से है 8K माइल्स सॉफ्टवेयर, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ से कौन सी स्टॉक को सिलेक्ट करेंगे आप खुद डिसाइड कर लीजिए। नेक्स्ट हम देखेंगे निफ्टी IT। अब इस वीडियो में मैं क्या जानकारी दे रहा हूँ आप लोगों को, 1 मंथ, 1 वीक, 1 मंथ या टिल डेट, 1 ईयर 3 ईयर्स के
स्टॉक गिरना स्टॉक वो भी सेक्टर वाइज. अब सेक्टर वाइज कौन सी स्टॉक में आप इन्वेस्ट करेंगे, कैसे ढूंढेंगे कि इस सेक्टर में से ये स्टॉक गिरना रहे, और वो भी 1 week, 1 month या टिल डेट 1 year एंड 3 years के हिसाब से. तो अभी जनवरी से लेके अक्टूबर तक BSE IT में हमें जो स्टॉक मिला सेक्टर वाइज वो है NIIT Tech. नेक्स्ट हम देखेंगे निफ्टी IT. निफ्टी IT में हमें मिला सॉरी NIIT Tech और लूजर में इन्फीबीम. अगर BSE Tech में अगर देखें सेक्टर, यहाँ पर मिला है हमें माइंडट्री जो 70.62% रिटर्न दे चुके हैं अब तक, और टॉप लूजर में से है वोडाफोन आइडिया. निफ्टी FMCG इस सेक्टर में से कौन सी स्टॉक टॉप गेनर है और कौन सा स्टॉक टॉप लूजर है? टॉप गेनर में से है जुबिलान फूड जो 30.16% रिटर्न दे चुके हैं अब तक, और टॉप लूजर में से है यूनाइटेड स्प्रिट्स जो -35.61%. निफ्टी सर्विस में से, निफ्टी सर्विसेज सेक्टर में से कौन सी स्टॉक गेनर है? TCS जो 55.76% रिटर्न दे चुके हैं अब तक, और टॉप लूजर में से वोडाफोन आइडिया है. BSE FMCG सेक्टर में से टॉप गेनर कौन सा है? जाइडस वेलनेस 29.05%, और टॉप लूजर में से क्वालिटी. मैंने काफी सारे व्यूअर्स को देखा, ट्रेडर्स को देखा कि मुझे SMS किए थे क्वालिटी के बारे में इन्वेस्ट करने के लिए. आप देखिए जनवरी से लेके अक्टूबर तक जिस स्टॉक की परसेंटेज माइनस में है वो भी नियर अबल 90%, उसमें हम क्या इन्वेस्ट करेंगे, वो क्या रिटर्न देगा हमें, एक बार सोच के देखिए. तो यहाँ पर हमें जनवरी से लेकर अक्टूबर तक इन सभी सेक्टर में से कौन सी स्टॉक टॉप गेनर है वो हमें मिल चुके हैं. और इसके लिए आप लोगों को करना क्या पड़ता, सेक्टर में जाके सभी स्टॉक पर ढूंढना पड़ता है, एक एक करके चेक करना पड़ता है कि कौन सी स्टॉक हमारे लिए सेफ है. तो यहाँ पर आप लोगों को इजिली मिल रहा है. 1 year के हिसाब से अगर हम देखें गेनर कौन सा है वो भी सेक्टर वाइज, चलिए एक बार देख लेते हैं. थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा लेकिन आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा. पूरे वीडियो को देखिए और समझिए, और आपने जो इन्वेस्ट किया या फिर आपने सोचा है इन्वेस्ट करने के लिए उस मुसीबत से बचे और अच्छे स्टॉक में इन्वेस्ट करें. चलिए BSE IT में से देख लेते हैं 1 year में से कौन सी स्टॉक टॉप गेनर है. L&T इन्फोटेक. टॉप लूजर में से रोल्टा इंडिया. रोल्टा इंडिया का भी नाम मेरे पास आया है, इसमें इन्वेस्ट करें या ना करें, ठीक है. नेक्स्ट हम बात करेंगे निफ्टी आईटी. 1 year में से निफ्टी आईटी सेक्टर में से माइंडट्री 117.84% 117.84% रिटर्न दे चुके हैं. इन्फीबीएम 52% माइनस में यानी नियर 53%. BSE टेक में से 1 year में माइंडट्री, यहाँ पर भी देखिए माइंडट्री अच्छी रिटर्न दिया है, और वोडाफोन आइडिया टॉप लूजर है. निफ्टी FMCG अगर हम देखें तो जुबिलान फूड 54.76% रिटर्न दे चुके हैं, इसमें हम इन्वेस्ट कर सकते हैं. और वो टॉप लूजर में से है गोदरेज इंडस्ट्रीज जो 19.50% माइनस में है. निफ्टी सर्विसेज में अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें कौन सा स्टॉक टॉप गेनर मिला और कौन सा स्टॉक टॉप लूजर मिला. TCS टॉप गेनर जो 73.08% रिटर्न दे चुके हैं एक साल में. देखिए चार्ट कितना ऊपर भाग रहा है. वोडाफोन एन आइडिया -54 नियर वेल, मान के चले 54% माइनस है. BSE FMCG 1 year में इन सेक्टर में से कौन सा स्टॉक गेनर है और लूजर है देख लेते हैं एक झलक. रेडिको खेतान 87.23% रिटर्न दे चुके हैं. टॉप लूजर में एक क्वालिटी 87.64%. नेक्स्ट हम देखेंगे BSE कॉन्स ड्यूरेबल. इसमें हमें मिला है टॉप गेनर BIP इंडस्ट्रीज 60.33% पॉजिटिव, ठीक है आप लोग दिख रहे हैं ना. और टॉप लूजर में से PC ज्वेलर्स 83.68%. लेकिन इसमें मैं देख रहा हूँ काफी सारे ट्रेडर्स इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, सिर्फ इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं. कम पैसा मिल रहा है इन्वेस्ट करते जाओ, कम रेट में मिल रहा है इन्वेस्ट करते जाओ, कम रेट में मिल रहा है इन्वेस्ट करते जाओ, उसके बाद और नीचे और नीचे और नीचे, और आपकी पैसा फंसते जा रहा है. क्या फायदा, कोई फायदा नहीं. लेकिन BIP इंडस्ट्रीज में अगर करते आप तो एक साल में ये ऊपर जा रहा है मुनाफा होता. तो क्वालिटी ढूंढिए, क्वांटिटी मत ढूंढिए. कम रेट की स्टॉक में आपको ज्यादा क्वांटिटी मिलेगा लेकिन क्वालिटी नहीं मिलेगा. अगर आप हाई रिटर्न स्टॉक में जाएंगे
तो आपको क्वालिटी मिलेगा, क्वांटिटी कम होगा लेकिन आपका एवरेज सेम रहेगा, यानी प्रॉफिट ज्यादा मिलेगा। नेक्स्ट हम देखेंगे बीएससी हेल्थ केयर। बीएससी हेल्थ केयर में से हमें क्या मिल रहा है, 10 मिनट का हो चुका है वीडियो। DIIL 265.66% का रिटर्न दे चुके हैं अब तक, टॉप गिनर 265.66%, देखिए एक झलक। और बीवी मीट लैब्स 69% माइनस में है। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे बीएससी कार्बोनेट्स। ठीक है, बीएससी कार्बोनेट्स में बायोकन जबरदस्त रिटर्न दिया है, टॉप गेनर स्टॉक है 77.45%, और टॉप लूजर में से एसपीजीएल, इसका भी लिस्ट मेरे पास आया है एसपीजीएल का। ठीक है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट हम देखेंगे फाइनेंस। अब फाइनेंस में चले जाते हैं। फाइनेंस में एक्सिस बैंक अच्छी रिटर्न दी है वन ईयर में 13.43%, और पावर फाइनेंस कंपनी जो है 39.38% नेगेटिव है। नेक्स्ट हम देखेंगे निफ्टी फार्मा। निफ्टी फार्मा वन ईयर में इस निफ्टी सेक्टर में से कौन सा स्टॉक्स गेनर है, बायोकॉन। देखिए बायोकॉन फिर से हमें मिला 77.45% पॉजिटिव। कैडिला हेल्थ केयर 24.29%। तो जिसने एक साल पहले इसमें इन्वेस्ट किया एक बार सोच के देखिए उसका हालत अभी क्या है, बहुत नीचे गिर गया है ना 24%, यानी अगर 100 रुपए इन्वेस्ट किया तो अभी 24 रुपए का घटा है, क्या फायदा, कोई फायदा नहीं। उसके बाद हम देखेंगे निफ्टी बैंक। तो निफ्टी फार्मा में से हमें बायोकॉन मिला और बायोकॉन में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। और बायोकॉन में हम कब इन्वेस्ट कर सकते हैं, जब बायोकॉन में एक करेक्शन आएंगे, लेकिन इस गिरावट मार्केट में भी बायोकॉन में करेक्शन नहीं आया, इन सभी टॉप गेनर स्टॉक में से करेक्शन नहीं आया। अगर वो गिरता है इन टॉप गेनर स्टॉक में से, अगर गिरावट आता तो उसमें अगर हम इन्वेस्ट करते तो 100 रुपए सुहाग हो जाता, लेकिन गिर नहीं रहा। तो इस टाइम पर अगर गिर नहीं रहा तो आगे भी नहीं गिरेगा। अगर इस बुरी हालत में अगर इसका पोजिशन स्ट्रांग है तो आगे जाके इसका पोजिशन और भी स्ट्रांग होगा, ऑब्वियसली उसमें कोई संदेह नहीं है। नेक्स्ट हम बात करेंगे निफ्टी बैंक। निफ्टी बैंक में से हमें क्या मिल रहा है, एक्सिस बैंक अच्छी कंडीशन में है, पंजाब नेशनल बैंक बुरी हालत में है। इसमें भी बहुत सारे ट्रेडर ने इन्वेस्ट किया और मुझे बोल रहा है कि इसमें आप क्या करें, और इन्वेस्ट करें या ना करें, तो आप देखिए आप खुद डिसाइड लीजिए इसमें इन्वेस्ट करेंगे या नहीं करेंगे। एक साल में 51%, यानी 100 रुपए से अगर खरीदा तो 50 रुपए 49 रुपए 51 रुपीज माइनस आपके पास बचे 49 रुपए, क्या फायदा, कोई फायदा नहीं। अभी तो ICICI बैंक में कुछ लोग इन्वेस्ट करने के लिए पागल हो रहा है। ICICI बैंक में क्या होगा, उसका क्या कंडीशन होगा, कौन क्या जाने। चलिए कोई बात नहीं, उसका भी हम फंडामेंटल देखेंगे अगले वीडियो में ICICI में, क्योंकि अभी ये चर्चा में है। और मैंने एक चीज देखा फ्रेंड्स, जो चर्चा में होता है वो डूबता है और जिसके बारे में चर्चा नहीं होता वो ऊपर चला जाता है, क्योंकि आपकी सोच जहां पर खत्म होता है मार्केट की सोच वहां पर शुरू होता है, और आपकी सोच जहां से शुरू होती है मार्केट की सोच वहां पर खत्म होता है। ये लॉजिक होता है मार्केट का, ये होता है बैकग्राउंड मार्केट का। नेक्स्ट हम देखेंगे निफ्टी कंसम्प्ट का पेज इंडस्ट्रीज 59.89% पॉजिटिव में है, टॉप लूजर वोडाफोन एंड आइडिया 54% माइनस। नेक्स्ट हम देखेंगे निफ्टी एनर्जी। निफ्टी एनर्जी में से रिलायंस टॉप गेनर है 27.38% पॉजिटिव है, एसपीसीएल माइनस है 62.11%। नेक्स्ट हम देखेंगे बीएससी बैंकर्स। तो यहाँ पर देखिए निफ्टी एनर्जी में से कौन सी स्टॉक में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, निफ्टी एनर्जी सेक्टर में से। अब निफ्टी एनर्जी सेक्टर में से 10-15 स्टॉक आपको मिलेंगे, तो उन 10-15 स्टॉक में से आप कौन सी स्टॉक में इन्वेस्ट करेंगे, कौन सा स्टॉक स्ट्रांग है, कौन सा स्टॉक परफेक्ट है अभी इन्वेस्ट करने के लिए। तो आपको मिल रहा है ना टॉप गेनर है रिलायंस, इजिली मिल रहा है, टॉप लूजर है एसपीसीएल, एसपीसीएल से इन्वेस्ट करने से बचिए और रिलायंस में इन्वेस्ट करिए, आपको प्रॉफिट मिलेगा। करेक्शन आने दीजिए तब इन्वेस्ट करिए, और अगर अभी इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो कम क्वांटिटी में करिए इन्वेस्ट, और जब वो करेक्शन में आएगा या नीचे गिरेगा तब जाके एवरेज करिए, आपको और ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। जितने सारे टॉप गेनर है सब में इन्वेस्ट करिए, SIP की तरह कीजिए, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। 5 क्वांटिटी करिए, अगले मंथ 10 क्वांटिटी करिए, फिर अगले मंथ 30 क्वांटिटी बाय कीजिए, उसके बाद फिर 40 क्वांटिटी, उसके बाद फिर 50 क्वांटिटी, ऐसे करके कीजिए ना। क्यों एक साथ आप लोग 1000 2000 10000 क्वांटिटी बाय करते, कोई फायदा नहीं है ना। अगर वो करेक्शन में आता है नीचे गिरता है, तो एक अच्छी स्टॉक अगर नीचे गिरता है तो उसका मतलब क्या है, वो ऊपर जाएगा। अगर किसी स्टॉक को ऊपर जाना है तो पहले लो बनाएगा उसके बाद ऊपर जाएगा, और किसी स्टॉक को पहले लो बनाना है तो वो पहले हाई बनाएगा उसके बाद नीचे गिरेगा। तो ऑब्वियसली करेक्शन आएगा
अच्छे स्टॉक में तो वहां से खरीदिए, एवरेज कीजिए तो आपको प्रॉफिट मिलेगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे बीएसई बैंक्स, बैंकर्स। इसमें से हमें एक्सिस बैंक मिला है और पंजाब नेशनल बैंक टॉप लूजर। नेक्स्ट हम देखेंगे लास्ट बीएसई एनर्जी। बीएसई एनर्जी में से कौन सा स्टॉक सही है? बीएसई एनर्जी में से कॉन्फिडेंस पेट्रो 63.47% पॉजिटिव में है। एचपीसीएल लूजर है, एचपीसीएल तो बहुत बार मिल चुके हमें अब तक, तो उसमें इन्वेस्ट मत कीजिए आप लोग। इसका भी लिस्ट आया था मेरे पास, चलिए कोई बात नहीं, थ्री इयर्स का देख लेते हैं एक बार। 15 मिनट का हो चुका है, 20 मिनट का हो सकता है वीडियो, 25 मिनट का हो सकता है, जिसमें पेशेंस है देखिए, इस 15-20 मिनट से आपकी जिंदगी शायद सुधर सकती है। कैसे? कम से कम आप अपने लॉस से तो बच सकते हैं, जो आपको लॉस होने वाला है उस लॉस से आप बच सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए टॉप गेनर टॉप लूजर नहीं है थ्री इयर्स में से, ठीक है, हमें नहीं मिल रहा। गेनिंग सेक्टर्स नॉट एन अ प्राइस स्टोरी, ठीक है। चलिए थोड़ा सा निफ्टी मेटल में क्लिक करते हैं, एक झलक देख लेते हैं इसमें। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए हमें निफ्टी मेटल में से मिला है जेएसडब्ल्यू स्टील, जो पिछले 3 साल से रिटर्न दे रहा है कंटिन्यू। उसका चार्ट देखिए कितना ऊपर भाग रहा है, 301.76% और कोल इंडिया -20.70% है थ्री इयर्स में, ज्यादा गिरावट नहीं है 20% सिर्फ, कोई बात नहीं। बीएसई मेटल में जेएसडब्ल्यू स्टील कोल इंडिया माइनस। निफ्टी एनर्जी में से कौन सा स्टॉक? निफ्टी एनर्जी में से मिला हमें थ्री इयर्स में जो गेनर है रिलायंस, 136.92% पॉजिटिव है, रिटर्न दे चुका। और टॉप लूजर में से रिलायंस इंफ्रा, तो रिलायंस इंफ्रा जो बुरी हालत में, इसमें इन्वेस्ट मत कीजिए, गिरते जा रहा है जैसे रिलायंस कैपिटल। बीएसई कौन से ड्यूरेबल, क्या है उसमें, कौन सी स्टॉक थ्री इयर्स में हाई रिटर्न है में है? बीआईपी इंडस्ट्रीज 390.71% रिटर्न दे चुके। पीसी ज्वेलर्स गिरावट में, अब थ्री इयर से गिरावट में है, इसमें फिर भी आप लोग इन्वेस्ट करते जा रहे हैं, थोड़ा सा ये तो देखिए, रिसर्च कीजिए, फॉलो कीजिए, कौन सी स्टॉक रिटर्न दे सकते हैं आपको। जो बंदा का हालत बुरा है वो आपको क्या रिटर्न देगा? अब एक बीमार इंसान भाग तो नहीं सकता, वो सोता ही रहेगा, भाग नहीं सकता, लेकिन एक तंदुरुस्त इंसान भाग सकता है और वो भी तेज रफ्तार से, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखिएगा आप लोग। निफ्टी कमोडिटी टॉप गिनर में से जेएसडब्ल्यू स्टील, टॉप लूजर कोल इंडिया। निफ्टी फाइनेंस थ्री इयर्स में से बजाज फाइनेंस 292.55% रिटर्न दे चुके अब तक। टॉप लूजर में से है पावर फाइनेंस कंपनी, इसका भी लिस्ट आया है मेरे पास पावर कंपनी का, पावर फाइनेंस। अभी ये जो पावर फाइनेंस का ये जो लिस्ट आप लोगों ने मुझे प्रोवाइड किया व्हाट्सएप ग्रुप में, आप लोगों ने क्यों किया, इसलिए क्या, क्योंकि अभी मार्केट में ये 10-12 दिन में गिरावट आने की वजह से, जो 15 दिन की मार्केट में गिरावट आने की वजह से स्टॉक में गिरावट आई और आप लोगों ने सोचा अभी ये करेक्शन भाई उसमें हम इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन भाई ये करेक्शन नहीं है, ये तो ऑलरेडी वीक है, ये 3 साल से गिरावट में है, तो ये तो इसमें तो गिरावट आना ही है, बस इसी स्टॉक को एक बार आना चाहिए। निफ्टी में अगर गिरावट आएंगे तो गिरेगा गिरेगा, लेकिन जब निफ्टी में उछाल आएंगे तो ये स्टॉक जो है नहीं उछलेगा, क्योंकि ये वीक है, 3 साल से अगर ये उसमें क्षमता नहीं है तो वो क्या उछलेगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे बीएसई एफएमसीजी। बीएसई एफएमसीजी में से जो स्टॉक टॉप गेनर है उसका एक उसका लिस्ट देख लेते हैं। उत्तम सुगर मिल्स 751.32% रिटर्न दे चुके, बाप रे बाप, और टॉप लूजर में से है क्वालिटी, ठीक है। निफ्टी एफएमसीजी एचयूएल हुल टॉप गेनर 92.50% रिटर्न, और टॉप लूजर में से है यूनाइटेड स्पिरिट्स, इससे दूर रही है यूनाइटेड स्पिरिट्स से। 3 साल में से 3 साल में गिरावट है तो उसमें क्या इन्वेस्ट करेंगे हम लोग। अब निफ्टी अगर 500 पॉइंट भी उछलेगा तो ये ना 10 रुपए उछलेगा, उछलेगा नहीं 10 रुपए। नेक्स्ट हम बात करेंगे निफ्टी बैंक थ्री इयर्स में। थ्री इयर्स की जो निफ्टी बैंक है एचडीएफसी बैंक, थ्री इयर्स रिटर्न 79%, टॉप लूजर पंजाब नेशनल बैंक 53.17% माइनस। नेक्स्ट हम देखेंगे बीईसीएल, 19 मिनट का हो चुकी वीडियो और कुछ बचे हैं और 5 मिनट का बचे हैं। बीईसीएल में से पेट्रोनेट एलएनजी टॉप गेनर, टॉप लूजर में से कैस्ट्रॉल इंडिया दूर रही है। निफ्टी एमएनसी वेदांता
174% पॉजिटिव टॉप गेनर, टॉप लूजर में से कमिंस इंडिया इसे दूर रही है, 40% माइनस में है। नेक्स्ट निफ्टी सर्विसेज, थ्री इयर्स में निफ्टी सर्विसेज सेक्टर में से तीन साल में कौन से स्टॉक गेनर है, बजाज फाइनेंस, टॉप लूजर वोडाफोन आइडिया, बीएससी आईटी में से शिवलिक, बी मेटल पॉजिटिव में 745% 700, रोल्टा इंडिया माइनस में 87% टॉप लूजर। निफ्टी आईटी तीन साल में से कौन सी स्टॉक, एनआईआईटी टेक जबरदस्त 148.87% टॉप लूजर में से नहीं है। नेक्स्ट हम देखेंगे थोड़ा सा नीचे चले जाते हैं, बीएससी टेक, स्टारलाइट टेक पॉजिटिव में है, टॉप लूजर रिलायंस कम्युनिकेशन, इसमें मत इन्वेस्ट कीजिए। कहां पर था 40 रुपए, 60 रुपए, 70 रुपए का और आ गया 12 रुपए, 13 रुपए पे, कब भागेगा ऊपर, नहीं भागेगा। निफ्टी रियल्टी, इसमें से कौन सी स्टॉक टॉप गेनर है, इसमें से टॉप गेनर स्टॉक है गोदरेज प्रॉपर्टीज, इसमें हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, तीन साल में बढ़िया है 76%, एसडीआईएल 73% माइनस, छोड़िए उसको, मतलब तीन साल हो गया, तीन साल पहले जिसने इन्वेस्ट किया 100 रुपए, अभी उसके पास बचे है 30 रुपए, 30 रुपए भी नहीं, कितना बचे हैं, 27 रुपए। एक बार सोच के देखिए, 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया तो अभी 27,000 रुपए बचे हैं, क्या हालत है, कब वो उछलेगा, नहीं उछलेगा, तीन साल में उछल नहीं रहा था, कब उछलेगा। नेक्स्ट और देखे, नहीं देखना है और बहुत ज्यादा हो गया लंबा, 21 मिनट का हो गया है, चलिए एक बार देख लेते हैं निफ्टी पीएसई, निफ्टी पीएसई में से कौन सी स्टॉक गेल इंडिया टॉप गेनर है 97%, टॉप लूजर में से बेल, ठीक है, ये भी बहुत ऊपर था स्टॉक, ये भी बहुत गिर गया है, बहुत नीचे गिर गया। अब निफ्टी ऑटो देख लेते हैं, ऑटो सेक्टर में से निफ्टी ऑटो सेक्टर में से टीवी मोटर्स 119.56% रिटर्न दिया है, टॉप गेनर स्टॉक है तीन साल का, टॉप लूजर टाटा मोटर्स डीवी 49.79% माइनस है, तीन साल का टॉप गेनर स्टॉक, एक बार सोच के देखिए, तीन साल में टॉप, तीन साल तक लगातार अच्छी रिटर्न दे रहा है, तो ऐसी स्टॉक में हम इन्वेस्ट क्यों नहीं करते हैं, अमाउंट बड़ी देख के हम पीछे भाग जाते हैं और जो छोटी अमाउंट है उसके पीछे मतलब के इन्वेस्ट करते हैं तो पैसा तो फंसेगा। तो देखिए कोई बात नहीं, हमें आशा है आप लोगों को जानकारी प्राप्त हुई है और अच्छी, और इस वीडियो को जिन्होंने पूरा देखा उन लोगों को बहुत अच्छे रिटर्न मिलेंगे मुझे आशा है। आप इन सभी टॉप गेनर स्टॉक में से कौन सी स्टॉक में इन्वेस्ट करेंगे एक बार सोच के देखिए, फिर भी मैं इन सभी स्टॉक की जो है पूरी फंडामेंटल रिपोर्ट की वीडियो बनाऊंगा, एक वीडियो में कोशिश करूंगा दो स्टॉक के बारे में जानकारी देने के लिए, तो आई होप आप लोग देखेंगे, अगर आप लोगों के लिए जरूरत है, अगर हेल्पफुल है तो चलिए कोई बात नहीं, आज के लिए इतना सही फ्रेंड्स, एक जानकारी देना चाहता हूँ, अगर आप लोग जरूरत में डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करके अकाउंट ओपन कर सकते हैं, फायदा क्यों करते हैं ब्रोकर्स टोटल भी, अधिक जानकारी के लिए मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 9865242240 में। तो आज के लिए इतना सही, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।